परिवार भी मेरे बिना जीना सीख जाएगा। पर मैं गलत था दादी, भागना इस मुश्किल का हल नहीं है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपको मेरी वजह से यह सब सहना पड़ा। मैं आपका और काल भैरव भगवान का दोषी हूं। अब भगवान जो भी दंड मुझे देंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। राजगुरु जी, दंड की तैयारी कीजिए। जी महारानी। मेरा बेटा आज दंड भुगतने के लिए नहीं जाएगा, तो नहीं जाओ यहाँ से, जाओ। महारानी का हुक्म है छोटे महारानी, दंड की प्रथा तो सभी को निभानी पड़ेगी। हालती बड़े युवराज वीरवर्धन ने की है, हमारे बेटे ने नहीं, इसलिए हमारा बेटा दंड नहीं भुगतेगा। तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे पास मत आना। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तुम जाओ। ये मुझे मत बोलो। तुम्हें डर क्यों लगा? क्यों सवाल कर रही हैं आप छोटी बहू? वंदना को देखिए, 8 महीने का गर्भ है, फिर भी वो भगवान काल भैरव के दंड को स्वीकार करने के लिए मंदिर जा चुकी है। इस राज परिवार के परिवार से जुड़े सभी सदस्य मंदिर जा पहुंचे हैं, फिर आप क्यों मना कर रही हैं? क्यों इस प्रथा को चुनौती दे रही हैं आप? काशीनाथ, ले चलिए इन्हें। जी। अंधविश्वास का अंत होगा भी या नहीं, जब लोग दिया बन ही नहीं सकते तो उस बात के लिए राज परिवार को दंड देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें लोगों को समझाना होगा दिनेश कि इंसान विज्ञान के नियमों से बंधा हुआ है, भगवान के नहीं। दंड के नाम पे तुम्हारे साथ क्या करने वाले? इस दंड के बारे में राजगुरु के अलावा और कोई नहीं जानता, हम भी नहीं। कई सालों के बाद ऐसा हुआ है कि राजमहल का बड़ा युवराज राजमहल छोड़कर भाग गया। महारानी जी, ये सब क्या चल रहा है? एक अंधविश्वास का हल मिला नहीं है और दूसरा अंधविश्वास शुरू हो गया। क्या कर रहे हैं? इससे आपका ढेला कुछ लेना देना नहीं है। यह हमारे गांव का मामला है, आपका क्लास नहीं। हमारे भगवान पे विश्वास को अगर आप अंधविश्वास कहकर गाली देंगे ना, ये गांव वाले चुप नहीं रहेंगे। चुपचाप यहाँ से चले जाइए।
को ये सब गलत हो रहा है, रोकिए ये सब। आप तो पढ़े लिखे हैं ना बड़े युवराज, आप तो कुछ बोलिए, ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, इसे रोकिए। आखिर भगवान के धर्म के नाम पर यहाँ पर होने क्या वाला है? उसे अपने हाथों में लेके भगवान काल भैरव से अपनी की एक एक क्षमा मांगनी होगी और ये वचन देना होगा कि आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। भगवान काल भैरव और उनके श्राप के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करेंगे। भगवान काल भैरव, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दे। मैं वचन देता हूं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं अब कभी राजमहल और कनकगढ़ रियासत को छोड़ के नहीं जाऊंगा। काल भैरव भगवान के श्राप से जुड़े हर नियम का पालन करूंगा। मैं ये दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। और मैं काल भैरव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना प्रकोप शांत कर दे और जो भी गांव वाले दिए में परिवर्तित हुए उन्हें वापस जीवित कर दे। काल भैरव भगवान की जय। राजगुरु जी, मैं अपने आप को चाबुक मारने के लिए तैयार हूं। भगवान काल भैरव का दंड इतना आसान नहीं है युवराज। आपको अपने आप को कोड़े नहीं मारने हैं। दंड ये है युवराज कि आपको अपने राज परिवार के सदस्यों पर, उनसे जुड़े लोगों पर 108 कोड़े बरसाने हैं।